दोस्तों अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, वरना ये कहानी आपको समझ नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिकैप, पिछले पार्ट में हमने देखा गुल्ली बुल्ली और शॉन से मिलने उनका दोस्त बेन आता है। बेन को स्पेशल पास मिला था जिसे वो कहीं पे भी फ्री में ट्रैवल कर सकता था, इसलिए वो गुल्ली बुल्ली और शॉन को घूमने जाने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन ये लोग उनके पास के रेलवे स्टेशन पे आते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये स्टेशन हॉन्टेड है। और कुछ समय बाद ये लोग एक ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन ये वही ट्रेन थी जिसका कुछ सालों पहले एक्सीडेंट हुआ था और तब से ये हॉन्टेड ट्रेन बन गई है। गुल्ली बुल्ली ट्रेन में बैठे ही थे तभी इनके पास के कंपार्टमेंट से कोई भूतिया सा आया, उनको देख रहा था। अब आगे, गुल्ली बुल्ली दोनों मोबाइल में गेम खेलने में बिजी थे तो शॉन और बेन खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहे थे। वो दोनों लड़के भी इसी ट्रेन कंपार्टमेंट में बैठे थे, गप्पे मार रहे थे। ट्रैवलिंग में कुछ समय बीत जाता है। थोड़ी देर बाद गुल्ली वॉशरूम जाता है, जाते वक्त वो देखता है कि पूरी ट्रेन खाली है। इनको छोड़ के ट्रेन में एक भी पैसेंजर नहीं था और तो ट्रेन के काफ़ी कंपार्टमेंट में लाइट भी नहीं थी, पूरा अंधेरा था, काफ़ी डरावना माहौल था। वो आगे बढ़ता है, अगले कंपार्टमेंट में जाता है। अगले कंपार्टमेंट में उसको दो बूढ़े पैसेंजर दिखाई देते हैं जो कि अंधेरे में बैठे थे। गुल्ली उनके पास जाके उनसे कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन तब अचानक वो बूढ़े पैसेंजर अपना सिर पूरा उल्टा घुमा के गुल्ली को देखने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख के गुल्ली के तो होश ही उड़ जाते हैं। दोनों पैसेंजर दिखने में काफी खतरनाक और ऊपर से अपना सर पूरा उल्टा घुमा के भूतों की तरह इसे देख रहे थे। ये देख डर के मारे गुल्ली वॉशरूम जाना तो भूल ही जाता है और वो तुरंत भागते हुए अपने कंपार्टमेंट में आता है। शॉन गुल्ली से पूछता है कि अरे क्या हुआ गुल्ली, इतना डरे हुए क्यों हो? तो इस पर गुल्ली सारी बातें गुल्ली शॉन और बेन को बता देता है। तो बुल्ली उसे समझाते हुए बोलता है, अरे ये तुम्हारा वहम होगा, अंधेरे के कारण तुम्हें ठीक से दिखा नहीं होगा, तुम डरो मत। फिर गुल्ली बेन से पूछता है, अरे बेन ये ट्रेन तो पूरी खाली है, वो दो भूतिया पैसेंजर को छोड़कर एक आदमी भी यहाँ नहीं है, इवन टीसी भी दिखाई नहीं दे रहा, कहीं हम गलत ट्रेन में तो नहीं आए? बेन बोलता है, शायद ये इसका पहला स्टेशन होगा, हो सकता है अगले स्टेशन पे लोग आना शुरू हो जाए, अगले स्टेशन तक इंतजार करते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अगले स्टेशन पे ही उतर जाएंगे। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। कुछ समय बीतने के बाद अचानक ट्रेन के कंपार्टमेंट की लाइट चालू बंद होने लगती है, बहुत ही डरावनी आवाजें आने लगती है। इनको ऐसे लग रहा था कि कोई भूतिया सा या दूसरे कंपार्टमेंट से इनकी तरफ आ रहा है। गुल्ली बुल्ली बेन और शॉन सभी जन काफी डर जाते हैं और उस कंपार्टमेंट की तरफ डर के मारे देखने लगते हैं। आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब ये देख गुल्ली बुल्ली यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन दो लड़के जो बैठे थे उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बोलते हैं कि अरे तुम तो काफी डरपोक निकले, वहाँ स्टेशन पे भी बिना वजह तुम डर रहे थे और यहाँ भी इतनी सी आवाज और लाइट के ऑन ऑफ होने पे डर रहे हो, इतना क्या डरना, तुम रुको हम देख के आते हैं। गुल्ली बुल्ली उन दो लड़कों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़के इनकी एक भी बात नहीं मानते और उस कंपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। धीरे धीरे वो दोनों अंधेरे कॉर्नर पे जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था इसलिए वो दोनों बेफिक्र हो जाते हैं, हंसने लगते हैं और गुल्ली बुल्ली का मजाक उड़ाने लगते हैं और उनसे बोलते हैं, देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम बिना वजह डर रहे हो। लेकिन तभी अचानक आवाज़ बढ़ने लगती है, अब तो बहुत ही डरावनी चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और अंधेरे से लाल लाल आंखें चमकने लगती है। अब ये देख उन दोनों लड़कों के भी पसीने छूटने लगते हैं, वो भी डरने लगते हैं, वो यहाँ से पीछे जाने ही वाले थे, लेकिन तब अचानक अंधेरे से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आता है और उनमें से एक लड़के पे हमला कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार के खाने लगता है। ये डरावना नज़ारा देख दूसरा लड़का तो शौक के मारे फ्रीज हो गया था। गुल्ली बुल्ली शॉन और बेन ये देख के काफ़ी डर जाते हैं और यहाँ से पिछले कंपार्टमेंट में भागने वाले थे, लेकिन तब गुल्ली बुल्ली का ध्यान उस दूसरे लड़के पे जाता है जो अभी भी उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा था, डर के मारे कांप रहा था। गुल्ली बुल्ली डरे हुए थे लेकिन वो उस लड़के को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। फिर धीरे धीरे करके बुल्ली आगे बढ़ने लगता है, वो थोड़ा आगे गया ही था लेकिन तब अचानक फिर से डरावनी आवाज़ें आने लगती है और देखते ही देखते उस अंधेरे से एक और मॉन्स्टर बाहर आता है और वो उस दूसरे लड़के पे हमला करके उसे मार देता है, उसे खाने लगता है। अब दोनों लड़के मारे गए थे, ये देख के गुल्ली बुल्ली शॉन और बेन पिछले कंपार्टमेंट में भाग जाते हैं। यह दोनों मॉन्स्टर
उन दो लड़कों को खाने के बाद गुल्ली बुल्ली को ढूंढने लगते हैं। वो देखते हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ तो कुछ लोग थे लेकिन अब नहीं है। वो दोनों मॉन्स्टर गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और अगले कंपार्टमेंट में जाते हैं। वो एक एक करके पूरा कंपार्टमेंट ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें गुल्ली बुल्ली कहीं पे भी नहीं मिलते। फिर वो अगले कंपार्टमेंट में ढूंढने के लिए जाते हैं। ये गुल्ली बुल्ली शॉन और बेन अभी तो इसी कंपार्टमेंट में आए थे लेकिन इन मॉन्स्टर को तो नहीं मिले, कहाँ गायब हुए? अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो सीट के नीचे छुपे हुए थे और शॉन और बेन ऊपर सामान रखने की जगह पे छुपे हुए हैं। मॉन्स्टर के निकल जाने के बाद सभी जन बाहर आते हैं। ये लोग फिर से अपने पुराने कंपार्टमेंट में आ जाते हैं लेकिन यहाँ आकर वो और भी चौंक जाते हैं क्योंकि पहले यहाँ पे उन दो लड़कों की बॉडी पड़ी थी लेकिन अब यहाँ पे उनकी बॉडी नहीं है और ना ही खून। बेन बोलता है कि शायद वो दोनों लड़के भी मरने के बाद भूत बन गए होंगे इसलिए उनकी बॉडी गायब है। शॉन बोलता है कि क्या बता, ट्रेन में और भी मॉन्स्टर और भूत हो सकते हैं, हम यहाँ पे रुक नहीं सकते, हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। तभी गुल्ली बुल्ली का ध्यान पिछले कंपार्टमेंट में जाता है। वो देखते हैं कि वो दोनों मॉन्स्टर दौड़ते हुए इन्हीं की तरफ आ रहे थे। ये लोग धीरे धीरे पीछे बढ़ने लगते हैं। अरे ये क्या, कंपार्टमेंट की दूसरी जगह उन दो लड़कों के भूत थे और कंपार्टमेंट के दूसरी तरफ से वो मॉन्स्टर आ रहे थे और बीच में गुल्ली बुल्ली शॉन और बेन फंस चुके थे। देखते ही देखते कई सारे मॉन्स्टर और भूत आ जाते हैं और गुल्ली बुल्ली बीच में फंस जाते हैं। वो मॉन्स्टर और भूत गुल्ली बुल्ली को देख के हंसने लगते हैं कि ये लोग उनके चंगुल में फंस चुके हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। अब गुल्ली बुल्ली के पास कोई चारा नहीं था, उनको तो यही लग रहा था कि ये लोग अब मरने वाले हैं। तभी बेन का ध्यान खिड़की से बाहर जाता है। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। बेन को एक आइडिया आती है। वो तुरंत एक खिड़की के पास जाता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन से बोलता है, चलो यहाँ से इस खिड़की से बाहर जंप मारो, ट्रेन वैसे भी स्लो है, हमें कुछ नहीं होगा। ये बोल के बेन तुरंत उस खिड़की से जंप मार देता है। ये देख के मॉन्स्टर उनको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही एक एक करके गुल्ली बुल्ली और शॉन उस खिड़की से जंप मार देते हैं और बच जाते हैं। वो मॉन्स्टर्स और भूत ट्रेन की खिड़कियों से इन लोग को देख के चिल्लाने लगते हैं, मानो उनके मुंह से निवाला छीन गया हो। यह ट्रेन हॉन्टेड थी। ये सारे मॉन्स्टर और भूत इस ट्रेन से बंधे हुए थे, वो ये ट्रेन छोड़ के नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे ट्रेन यहाँ से निकल जाती है और उसी के साथ सारे मॉन्स्टर भी। गुल्ली बुल्ली शॉन और बेन इस हॉन्टेड ट्रेन से तो बाल बाल बच गए थे। भागते हुए वो लोग रोड की तरफ आते हैं। अरे ये क्या, दूर से मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली को देख रहा था और उन्हें देख के जोर जोर से हंसने लगता है। या गुल्ली बुल्ली को लगता है कि वो लोग बच गए हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उस हॉन्टेड ट्रेन और स्टेशन की तरह ये पूरा एरिया भी हॉन्टेड है और मिस्टर मीट के कंट्रोल में आता है। और अब गुल्ली बुल्ली शॉन और बेन मिस्टर मीट के जाल में फंस चुके हैं। सो दोस्तों क्या होगा, क्या मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली को पकड़ लेगा या फिर गुल्ली बुल्ली इस हॉन्टेड एरिया और मिस्टर मीट से बच पाएंगे, ये हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में जो कि मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।